हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एरर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 13.35 पे काम कर रहा है। 1.40% का फॉल देखने को मिल रहा है। निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 16,705 के आसपास में हुआ है और बैंक निफ्टी 35,627 पे क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा है। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है और बैंक निफ्टी अभी भी 2000 पॉइंट डाउन काम कर रहा है। अगर फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो निफ्टी का फ्यूचर 9 पॉइंट्स के प्रीमियम पे और बैंक निफ्टी का फ्यूचर 90 पॉइंट्स के प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। प्रीमियम के हिसाब से देखेंगे तो इस एक्सपायरी की शुरुआत में प्रीमियम काफ़ी कम दिख रहा है, यानी जो इंटरेस्ट होना चाहिए पोजिशन बनाने के लिए इंडेक्स के अंदर में, वो इंटरेस्ट कहीं लैगिंग दिख रहा है, कहीं अभी भी कम दिख रहा है। हमने पोजिशन कौन सी बनाई थी? हमने बाई किया था 284 में 35,700 का कॉल ऑप्शन। रीजन, ब्रेकआउट दिख रहा था, अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन करता तो 35,800 पॉसिबल था। ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमने लगाया था 244 का, जो हिट होता हुआ नजर आया। क्यों एक ही लॉट में काम किया? अंडर पोजीशन साइजिंग 10,000 का अमाउंट लेके हम काम कर रहे हैं, सो वहां पे सिर्फ एक ही लॉट परमिसेबल था, इसके लिए हमने एक लॉट पे ही काम किया। सो अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं, उस ट्रेड के अंदर में लगभग 74% के आसपास का सक्सेस रेशियो आपको देखने को मिला रहेगा। और अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे डिलीवर हो रहे होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि लाइव मार्केट में मेरी टीम ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर कर सके। और एट द सेम टाइम अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 तो डेफिनेटली लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहा है, पर बैंक निफ्टी के भी लाइफ टाइम हाई लगाने के कुछ चांसेस बन रहे हैं क्या, कौन से लेबल्स इंपॉर्टेंट होंगे, और एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव डेटा किस हिसाब से इंडिकेशन दे रहा है, क्या यहाँ से बाय ऑन डिप्स वाली कहानी होनी चाहिए या शॉर्ट करने की नौबत आ चुकी है, समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट वीडियोज के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिलेगा। नाउ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने मीनवाइल बीच में एक बार हाई बनाया था और यह हाई था लगभग 16,701 का, सेकेंड अटेम्प्ट में 16,712 और कल के दिन में यानी फ्राइडे की क्लोजिंग जो हुई है 16,700 के ऊपर हुई है, लेकिन हाई बनाया 16,722 का। अब मंडे के दिन में गैप अप एक्सपेक्टेड है 16,800 के आसपास का, लाइफ टाइम हाई बनता हुआ फिर से नजर आएगा। करना क्या चाहिए? क्या 16,800 आया तो उस टाइम पे हमें वहां पे ऊपर की तरफ शॉर्ट करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए लॉन्ग, उसे इस ट्रेंड लाइन से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये ट्रेंड लाइन इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ट्रेंड लाइन है वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि आपका सपोर्ट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यानी अगर मैं मंडे की बात करूं तो 16,600 के आसपास में सपोर्ट है, अगर इसके आसपास में मिला तो एक बार लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, बट हम ओपनिंग 16,800 के आसपास करेंगे तो समझते हैं ऊपर की तरफ में शॉर्ट करना सही रहेगा, प्रेफरेबल रहेगा, या लॉन्ग करना चाहिए। मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस दिखा रही है ट्रेंड लाइन, इट इज अराउंड 16,900 नाउ, 16,900 आपकी ओपनिंग होगी लगभग 16,800 के आसपास, ज्यादा चांसेस हैं एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से इसके आसपास की ओपनिंग दे सकते हैं, यानी वहां से भी ऊपर जाने के थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं, तो एक बार वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद में किसी तरह का डिसीजन लेना है, एक आधा घंटा वेट करके देखते हैं, अगर मार्केट वहां से गिरना चालू होता है, डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी गिरावट देखने को मिलती है, सो वहां से आप एक बार शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, नहीं तो अगर डाउ फ्यूचर्स भी कंटिन्यूसली अप हो रहा है तो 16,900 का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है चार्ट के ऊपर में एक दो दिनों के अंदर। बोलिंगर बैंड क्या इंडिकेट कर रहा है? बोलिंगर बैंड साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी साइडवेज मूवमेंट जो है अभी दिखा रहा है, लेकिन डेफिनेटली कल के मूव के हिसाब से ये भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। आरएसआई ऑलरेडी 70 के ऊपर है, ओवर ब्रॉड कंडीशन में है, लेकिन ये और ऊपर जाने के भी दमखम रखता है, जरूरी नहीं है कि अगर ओवर ब्रॉड हो गया तो वहां से कंटिन्यूसली आपको फॉल देखने को ही मिले। सो ओवरऑल समझना यह है कि जहां पे ओपनिंग होगी उस ओपनिंग से आधे घंटे के अंदर में अगर आपको डाउन देखने को मिलता है, ओपनिंग का लेबल टूटता हुआ नजर आता है नीचे की तरफ, तो प्रॉफिट बुकिंग है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी काम करते हुए नजर आ सकती है।
सो पहले तो समझ लेंगे कि अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो कौन से लेबल्स का वेट करना चाहिए। उसके लिए आपको ये चैनल देखना पड़ेगा। इस चैनल को जैसे ही हमने ब्रेकआउट किया है वहां से अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है, यानी नीचे की तरफ 16,600 का लेवल आना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आपको मिल गया 16,600 का लेवल मिल जाता है सो यहां पे इसके आसपास में बाय करें। 16,600 से 16,625 के रेंज के बीच में आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा। क्यों स्टॉप लॉस डीप लगाना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट 16,000 अगर इतना फॉल कर रहा है तो हो सकता है आपको 50-70 पॉइंट और नीचे जाते हुए दिखे। सो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगभग 16,530 के आसपास लगाना चाहिए। टारगेट क्या हो सकता है आपका? ऊपर की तरफ टारगेट आपका जो बनेगा वो 16,700, 16,750, 16,800 का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। इन केस इफ यू आर कंजर्वेटिव तो इसके अंदर में काम करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिवली काम करना प्रिफर करते हैं तो आपको लॉन्ग बनाना चाहिए लगभग 16,650 के आसपास में। अगर यहां पे मिलता है इसके आसपास में आपको लॉन्ग बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 16,580 के आसपास का। वी कैन सी यहां पे थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिला था हमें, एंड देन आपके पास में जो स्टॉप लॉस लगभग हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो 70 पॉइंट्स का है, और जो टारगेट आपका बनेगा ऊपर की तरफ आपके लिए 16,750 and 16,800 का एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर एग्रेसिव है तो यहाँ पे काम करना है। शॉर्ट करना चाहिए क्या? कल गैप अप ओपनिंग है, और एक बार जब गैप अप ओपनिंग होगी तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी शायद देखने को मिल सकती है। सो 16,800 के रेंज में अगर आता है तो एक बार शॉर्ट क्रिएट करिए। देख लीजिए डाउ फीचर्स नीचे की तरफ जा रहा है या डाउ फीचर्स सेम लेवल पे है, उसके आसपास में एक बार सेल करने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस लगाइए 16,840, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर 800 से 840 तक का मूवमेंट कर सकता है तो यानी मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगा। और इसका टारगेट क्या बनेगा आपका नीचे की तरफ आने के लिए? 16,750 and 16,700, एंड जो पोजिशनल अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 16,600 आपका लास्ट टारगेट बनेगा। यहाँ पे अच्छे खासा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चैन अगर देखेंगे तो ऑप्शन चैन भी क्लियरली यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर में दो पुट राइटिंग चालू है, लेकिन इसके बावजूद 16,600 and 16,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 16,700 पे हमने क्लोजिंग दी है, सो एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट। पोजीशन ऑलमोस्ट आपको 70,000 के आसपास देखने को मिलेगी कॉल साइड में, एंड 62,000 के आसपास में देखने को मिल रही पुट साइड के अंदर में। डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि 16,700 जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है देन दी सपोर्ट। अब कल के दिन होने वाला क्या है? कल के दिन गैप अप ओपनिंग होने वाली है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई 16,800 के आसपास में और मार्केट अगर टिका उधर तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो 16,800, 16,850 लेवल्स एक बार पॉसिबल बनते हैं। दूसरा, अगर मान के चलिए फॉल हुआ और फॉल के में आपको 16,600 के आसपास में मार्केट आता हुआ नजर आया तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे प्लेस है लगभग 90,000 का। सो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। इसके लिए जो हमने स्टॉप लॉस रखा है वो 16,500 के नीचे का रखा हुआ है, 16,550 के नीचे रखा हुआ है, ताकि वो स्टॉप लॉस सीट होता हुआ नजर ना आए। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 16,580 की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे रेंज क्या हो सकता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम जब लाइव सेशन में थे ऑलरेडी हमने रेंज के बारे में डिस्कस किया हुआ था। कल मार्केट ऊपर खुलता हुआ नजर आ सकता है, सो एक बार 16,650 से 16,800 के रेंज में काम पॉसिबल है। अगर रेंज बढ़ा तो 16,600 से 16,900 के बीच में काम हो सकता है। 16,900 अगर देखने को मिला तो एक बार शॉर्ट जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन भी 16,900 के आसपास में है और पुट कॉल रेशियो आपका 1.40 के आसपास काम कर रहा है, जिसके चलते हुए एक बार वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।